रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज से अयोध्या में शुरू होगी विशेष पूजा, प्रायश्चित और कर्म पूजन से होगी विधिवत शुरुआत। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान के समय आज आंध्र प्रदेश के विपक्षी मंदिर में पूजा करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और नारकोटिक्स एकेडमी के नए कैंपस का भी करेंगे उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में आज भी सफाई अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान मंदिर में की सफाई। मंदिर के अंदर और बाहर झाड़ू और पोछा लगाकर की सफाई। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। श्री राम को गोश तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ साधु संतों के हाथों में आप झाड़ू भी देख पा रहे हैं। इन संतों ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बने सबसे प्राचीन घाटों में एक राम की पैड़ी की सफाई की। इस घाट की एक अलग मान्यता है। कहते हैं कि सरयू किनारे बने इसी घाट से होकर राम सरयू में स्नान करने जाते थे और अयोध्या में जुटे संतों ने वहाँ के उसी प्राचीन घाट की सफाई की। अयोध्या में चल रहे स्वच्छता अभियान की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका आगाज किया था और हाथों में झाड़ू लेकर अयोध्या की सड़कों पर उतर आए थे। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हुए नगर निगम के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर झाड़ू लगाया। सिर पर सफेद टोपी और मुंह पर मास्क लगाए योगी आदित्यनाथ ने झाड़ू लगाने के बाद अपने हाथों से कूड़ा उठाया। इससे पहले पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने भी कुछ इसी अंदाज में सफाई की थी। उन्होंने 22 जनवरी से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सफाई की अपील की थी और नासिक के कालाराम मंदिर में पोछा लगाया था और फिर योगी आदित्यनाथ भी इसका हिस्सा बन गए और 14 जनवरी के बाद अयोध्या को साफ करने का अभियान तेज हो गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई केंद्रीय मंत्री मंदिरों की साफ सफाई में जुट गए। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई की थी। इसके बाद ओडिशा के देवगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साफ सफाई करते दिखे और इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। धर्मेंद्र प्रधान ने तो झाड़ू लगाने के बाद मंदिर परिसर की पानी से धुलाई भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने दिल्ली के तिलक विहार में वाल्मीकि मंदिर और श्री दुर्गा मंदिर में साफ सफाई की तो उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह भी हनुमान मंदिर में झाड़ू लगाते और मंदिर परिसर की धुलाई करते दिखे। जबकि हरियाणा के पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन समुदायों के सदस्यों ने साफ सफाई की। इस दौरान मंदिर में लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की थी। खुद उन्होंने भी नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई की थी। इस बीच